दोस्तों बहुत लोगों के डिमांड पे मैं फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, तो उस पे क्या होता है ना, मेन चीज जो होते हैं वो होते हैं हेलमेट। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है हेलमेट को लेकर के। तो अगर आप मार्केट में मान लीजिए स्टील का काम कर रहे हैं या फिर लोहा का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये हेलमेट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हेलमेट देख रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कैसे क्या होता है, लेकिन बहुत ऐसे जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि हेलमेट को यूज कैसे करना है, इसको फिटिंग कैसे करना है। अभी मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, सारे पार्ट अलग अलग हैं, तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे फिटिंग करना है, तो वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो हेलमेट है ये मैंने मंगाया है इसको फ्लिपकार्ट से, तो मैं इसको आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, काफी सस्ता है ये। तो यहाँ पे मैं इसको चलिए पूरा देखता हूँ कि इसको फिटिंग कैसे करना है और इसको यूज कैसे करना है, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहले समझ लेते हैं इसके साथ साथ हमें क्या क्या यहाँ पे मिला है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से सामान मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ग्लास मिला है, एक ब्लैक ग्लास एक व्हाइट ग्लास, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये हेड का है, ओवर हेड है जो हेड के ऊपर यहाँ पे लगता है, उसके साथ दो यहाँ पे स्क्रू है जो प्लास्टिक के दिए हुए है, और यहाँ पे दो इस तरह से साइड के दिए हुए है जो की इसमें स्क्रू इसमें टाइट होते हैं इसमें, तो इस तरह से यहाँ पे दो दो पीस दिए हुए है, ये दो रबड़ है, और यहाँ पे दो ये ग्लास को लॉक करने के लिए ये गार्ड दिए हुए हैं कि किस तरह से लॉक करना है। तो चलिए यहाँ पे इतने चीजें यहाँ पे है, तो इसको फिटिंग कर लेते हैं कि किस तरह से इसको फिटिंग करना है। आपको देख देख के आपको इस तरह से ही फिटिंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ग्लास को फिटिंग करेंगे, क्योंकि ग्लास को फिटिंग करना ही मेन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डिंग सिस्टम होता है, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसको यहाँ फोल्ड करके यहाँ से देख सकते हैं, फिर इसको यहाँ लगा सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे होता है ये। तो चलिए अभी हम लोग पहले ग्लास को फिट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो ग्लास फिट होगा वो ब्लैक ग्लास होगा, जो हम लोग को वेल्डिंग को जो रोकता है। ये ब्लैक ग्लास से देखने में आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, लेकिन जब वेल्डिंग ऑन होता है तब ये जाकर के आपको ब्लैक ग्लास देखने में समझ में आएगा कि यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, तो आपको ये ब्लैक ग्लास दिखेगा। तो यहाँ पे ब्लैक ग्लास पहले हम लोग फिट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक ग्लास फिट करने के लिए आप देखेंगे ये जो व्हाइट वाला है, ये जो एरिया है, तो यहाँ पे आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड का एक यहाँ रास्ते बने हुए ग्लास डालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे ये ग्लास जो है इसमें ऐसे डालना है, तो हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको साइड से इस तरह से यहाँ पे आपको डाल देना है, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे डाल रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसे आपको इस तरह से यहाँ पे डाल देना है पूरा। तो यहाँ पे ये डल गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लूज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये जो गार्ड है ये गार्ड पीछे से इसमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको लगा देता हूं, तो देखेंगे ये गार्ड जो है ये हल्का यहाँ पे बैंड दिख रहा होगा आपको, तो ये बैंड जो है ये बैंड वाला एरिया अंदर रहेगा, इसको आपको इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे चलिए मैं देख लेता हूं, तो यहाँ पे ये जो मैंने खोला हूं, तो ये बैंड वाला जो एरिया है वो बैंड वाला ग्लास को प्रेस करके रखेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से घुसाना है यहाँ दबा के, यहाँ पे मैं घुसा दिया हूं, देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे डाला है। तो इसके अंदर में यहाँ पे ये गार्ड वाला एरिया पूरा अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये ग्लास जो है पूरा टाइट हो गया है ताकि ये हिले ना। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लैक ग्लास फिट हो गया, ये ऑन ऑफ यहाँ से आपका होगा यहाँ पे इजी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्हाइट ग्लास है इसका भी यूज करना है, जैसे कि क्या होता है ये दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि बता दूं कि यहाँ पे आप जब वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग के जो छींटे होते हैं वो ग्लास में आके लगते हैं, तो ग्लास खराब होता है, तो उस कारण से ये गार्ड देते हैं एक्स्ट्रा आपको। अगर चाहे तो वो छींटे बचाने के लिए आप पहले ये गार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आपका क्या जो छींटे लगेंगे वो इस पे लगेंगे, ये ग्लास खराब नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये ग्लास अभी नहीं लगाएंगे, चाहे तो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डबल ग्लास लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे इसको। तो यह आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो व्हाइट वाला भी हम लोग साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो गार्ड दिया हुआ है ये व्हाइट वाले के लिए है, ठीक है, तो ये वाला हम लोग साइड कर देते हैं। तो ये हालांकि व्हाइट ग्लास जो होते हैं वो एक और यूज के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि बता दो कि बैक साइड यहाँ पे पीछे में आप देखेंगे तो ये उठाने के बाद आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये एरिया पूरा खाली हो जाता है,
तो यहाँ पे भी आप ये व्हाइट ग्लास लगा सकते हैं ताकि आपको सेफ्टी हो, आपको कुछ उड़कर पड़े ना वेल्डिंग को। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तो नहीं लगाए, चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल से प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ग्लास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जगह बने हुए ग्लास लगाने के, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे व्हाइट ग्लास मैंने लगा दिया है, इसको जो यहाँ पे है ये वाला, उस तरह से जैसे उसमें गार्ड दिया था हमने, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको गार्ड लगा देने हैं ताकि ग्लास आपका हिले ना। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये ग्लास पूरा लग गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको खोल के यहाँ पे आपको ये गार्ड का काम करेगा, यहाँ पे इस तरह से आपको गार्ड हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ लगा लेना है। तो ये हो गया हमारा ग्लास फिटिंग। अब हम लोग यहाँ पे हेड को फिटिंग कर लेते हैं, ये हेड कैसे रहेगा। तो यहाँ पे बता दूं आपको, इस तरह से ये जो सर में है, ये सर में पहनने के लिए होता है, ये कैप है एक तरह से। तो इसको हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक साइड देखेंगे तो यहाँ पे गद्दे जैसे बने हुए हैं, और एक साइड यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से यहाँ पे साइज को एडजस्ट किया जाता है, आपको जितना सर के हिसाब से आप यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये सर के आगे साइड जाएगा, माथे साइड जाएगा आपका। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे लगाना है। तो चलिए अभी हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको फिटिंग करना है, यहाँ पे ये जो हेड का एरिया है वो ऐसे आएगा और वो ये एरिया पीछे रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे आपको लगेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हॉल है, तो ये हॉल में ये जो स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू के साथ हम लोग इसको टाइट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रू है, तो स्क्रू इसको अंदर साइड से यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से डालकर यहाँ पे एक रबड़ दिया हुआ है, ये रबड़ बीच में डाल देंगे ताकि ये जो स्मूथ काम करे, जहां पे भी रोके वो रुक जाए। तो इसलिए ये रबड़ दिया हुआ है। तो इसको लगा के यहाँ से ऐसे आपको ये वाला जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ से टाइट कर देना है। इसको जो टाइट है वो आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको हिसाब से करना है, क्योंकि ये जो है इस तरह से ये घूमना चाहिए ताकि आपका इजी ये वेल्डिंग का हेलमेट आप उठा सके और गिरा सके। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे टाइट कर लेना है जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पे टाइट करके यहाँ पे चलिए अभी देख लेते हैं इसको कैसे यहाँ पे पहन के कैसे यूज करना है। हमारा पूरा हेलमेट फिटिंग तैयार हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आपको फिटिंग हुआ है, पूरा आपने देख लिया पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको पहनने के लिए जो आपका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको सर पे इस तरह से डालना है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, ये डालने के बाद ये आपका इस तरह से मूव होता है। यहाँ पे आप ऐसे इसको अप और डाउन कर सकते हैं, और अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला आप ऐसे उठा करके भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपको वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसको लगा लेना है, और जब वेल्डिंग आपको देखना है, खोलना है, तो आप ये खोल सकते हैं। अदरवाइज आप चाहेंगे तो पूरा ऐसे खोल के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग हेलमेट है, या आप कोई सा भी वेल्डिंग करें, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गया, आर्गन वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, जितने भी वेल्डिंग होते हैं इसमें हेलमेट का यूज एकदम जरूरी होता है। आप कहीं भी काम करेंगे बिना हेलमेट का आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो आपको इस तरह से ये हेलमेट पूरा काम करता है, आपको इस तरह से आपको यूज करना है। तो वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि वेल्डिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, आर्गन वेल्डिंग, तो हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, तो जाके आप एक बार जरूर देखिएगा।